तो सबसे पहले तो जो नए आए उनको मैं बता देता हूँ, मेरा नाम सूरज सर रावत सर, क्यों आपके सर के आगे नाम के आगे दो बार सर लगता है मेरे नाम के आगे, ठीक है सर जी। तो सबसे जिनको पहले शायद आप जानते ही होंगे, कल्चर और कल्चर के साथ में इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के माना जाता है कि बेताज बादशाह है, ठीक है। और इनके वो खांडल सर को भी बुलाओ, और हमारे साथ में एक नया चेहरा शायद आप सब लोग ने, लुढ़कियां सुरेंद्र खांडल सिंधु सर, में जो गोता खोर राजस्थान की लगाता ज्योग्राफी है, और जा जाके इंडिया की खाली ज्योग्राफी हाथ जो है वो लौट देखते आता हैं। है। मिलते तो नहीं आज सर हम अमृती गहरे पानी में, उनका तो मैं भूल गया, बता मिलते रहा था उनके नहीं बारे में। सहज उनका नाम है हिम्मती गहरे अमृतपाल पानी सिंह में, जी, जो मिट्टी उसकी गंगानगर, मूर्ति ये हर बार नहीं कौन से होती, गांव से हो? कोशिश करने वालों की अनूपगढ़ थोड़ी से। हार अनूपगढ़ होती से है। है, और तो अंत इनका परिचय द्वारा बताना इसलिए जरूरी है असफलता एक चुनौती है इसे क्योंकि स्वीकार, ये है विष्णु जी बिश्नोई, सफलता जिनका अभी नया एक नया चयन चुनौती हुआ है है इसे एसआई में, स्वीकार जो भी करो, आज नहीं है क्या कमी रह उनकी गई भाई देखो की, क्या और सुधार करो। कहते हैं शपथ एंगेजमेंट न सफल शायद हो, है ना सर, नींद तब वो चैन नहीं आ पाए, करो नहीं तुम, उनसे भी अपने रूबरू जब होते। तक तो न सफल हो इनका और नींद उनका चैन बैच एक ही करो था, तुम, इन्होंने रिटर्न क्लियर किया है संघर्ष का अभी सब मैदान इंस्पेक्टर, छोड़कर रिटर्न के मुझे बाद क्यों में तुम फिजिकल क्लियर कुछ किया है, किए बिना ये चेहरे का फिजिकल के आने बाद में की उन्होंने साक्षात्कार कोशिश भी करने क्लियर किया वालों है, की कभी हार बट नहीं उसके होती। बाद प्रोवाइड करवाया मिलते जाएगा, सब ताकि लोग के आपको पता बीच में चले कि ना भागो जो दिल्ली कभी पुलिस का जो ना सिलेबस है, मिला जिसमें इंडिया जीके ये लगता है, लोगों का सपना बन जाए। इंडिया जीके में हिस्ट्री लगती है, ज्योग्राफी लगती है, पॉलिटी लगती है, और खेल लगते हैं, और मुद्दे वगैरह हैं वो लगते हैं, सारी चीजें आप दानों में। फिर आपकी मैथ लगती है पूरी, जो कौन से लेवल की लगती है, 10th लेवल की, और उसके बाद में रीजनिंग जिसका लेवल 1 ही होता है, और उसके बाद में साइंस, और उसके बाद में छोटा सा पोर्शन लगता है जिसका कंप्यूटर का। और आप सब लोग सारे लोग पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान की सीईटी दे रहे हैं, जो राजस्थान का सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं, जो राजस्थान का राजस्थान पुलिस वाला एग्जाम दे रहे हैं, जो राजस्थान की एलडीसी दे रहे हैं, वो सारे बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, क्योंकि आप 12वीं पास आउट तो हैं ही सारे, नो डाउट है, इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है। तो इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, और मोटिवेट किया थोड़ा बच्चों को, और जैसा कि सर ने कहा कि अपने बहाने बनाना स्टूडेंट की आदत है, और उन बहानों से अगर कोई विद्यार्थी ऊपर उठ जाता है और उन बहानों को पीछे छोड़कर अपना जो निरंतर अध्ययन करता रहता है, वही आखिरकार सफल होता है। एक बात इन्होंने सर ने एक और बढ़िया बात बताई कि जो स्कूलिंग लेवल तक इतना होशियार विद्यार्थी था कि हर क्लास में वो टॉपर था, और एक ऐसा विद्यार्थी था जो हर क्लास में धक्के से पास हो रहा था, गुरुजी ने 2 नंबर का धक्का मार दिया और 8वीं पास हो गया, फिर 10वीं पास हो गया, फिर 12वीं पास हो गया, हुआ ना ऐसा? गुरुजी थोड़ा सा सहारा दे देते थे कि यार ये बढ़िया, चलो ठीक है, उनको 2 नंबर दे देते हैं ताकि इसका 1 साल खराब ना हो। और अंत में 12वीं क्लास के आने के बाद में वो बच्चा एक अपने आप में जीवन में एक ऐसा मोड़ लेके आता है स्टडी के क्षेत्र में, और उसके बाद में बहुत जल्दी सफल हो जाता है, और वो बच्चा जो शुरुआत में टॉपर था वो अब उड़ता पंछी बन जाता है 12वीं के बाद में, क्योंकि वो 12 साल तक बंधन में रहा है, और उसके बाद में उसको 3 साल की मौज चाहिए, सही है ना मौज? लेकिन वो धक्के वाला विद्यार्थी जो है उसको मौज नहीं चाहिए, वो धक्के से है, उसको पता भी आगे भी धक्के से पास होना पड़ेगा फिर, और वो विद्यार्थी आगे चलकर उस टॉपर विद्यार्थी से पहले जॉब प्राप्त कर लेता है, या फिर पढ़ाई करने के बाद में एक बढ़िया सा सेटलमेंट हो जाता है। ऐसा जीवन में हुआ है क्या आपके आसपास में? होता है। तो अपने अपने जो कमजोरियां हैं, अपनी आदतें हैं, उनका तो रोना रोना ही नहीं है, रोना रो रहे हो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात ये है, इसका मतलब आप आगे जाना ही नहीं चाह रहे। तो अगर आपने टारगेट किया है तो उस टारगेट को आपको धीरे धीरे आगे लेके जाना होगा। तो इसी क्रम में इनकी बात से एक बात मेरे याद आ गई, हमेशा ही कहता हूँ ऑफलाइन वालों को, फिर से कुछ नया है उनको भी आज पता चल जाएगा।
जब आप घर से निकलते हो अपने माता जी के साथ, पिताजी के साथ, भाई के साथ निकलते हो ना, चार पांच बैग लेके, एक मोटा पर, एक हाथ में, एक इन निकलते हो आप, क्योंकि आप सारे लोकल तो नहीं, बाहर से हो लगभग 70%। तब वहां से निकलते हो और गांव के चौराहे में बैठे हम जैसे लोग क्या बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं भाई, लड़के बताएंगे हैं? ओ लाग सी यही का निकलते हो घर से, तो आपके पिताजी से पूछा जाता है वो फलाना राम जी आज छोरन लेके किन्ने जा रहे हो, ऐसे कहते हो ना आपके। और जो गांव में जो चौपड़ खेलने वाले, ताश कूटने वाले जो लोग होते हैं, उनका तो काम वही है, उनको तो पत्ते कूटने हैं, और कहाँ लेके जा रहे हो, तब आप कहते हो जी दिल्ली पुलिस SI या CET के लिए बच्चे को बीकानेर भेज रहा हूँ, छोड़ के आ रहा हूँ हॉस्टल में। क्या ना यार, किसो हॉस्टल में छोड़ गया, इन्हों की खेत में काम करवाता नहीं, किसो लागे निहाल के रहे, आधे से ज्यादा कमर आपकी वहीं तोड़ दी जाती है, आधी से ज्यादा है ना। लेकिन आप चुपचाप उस बात को सहते हुए कि चलो बप्पू पहचाना कोई बात नहीं, यही करता रहे, तो वो बात, वो टोन उन लोगों की, उनको तो दिखाना है ना कि 2-3 साल बाद में ढंग से तैयारी करके। अब वही लोग आपको क्या कहेंगे दोबारा से, जब आप लग जाओगे, सफल हो जाओगे, मैं क्यों होने का लाग सी जो कदम छोड़ गया हो। तो जो लोगों के, जो बाहर वाले लोग जो है, उनकी जो फोबतियां जो है वो आपके ऊपर कितना असर डालती है, और उनको आप कितना हैंडल करने के बाद में उनको कितना शानदार पॉजिटिव रिजल्ट देते हो। सर ने कहा कि भगवान राम जब वनवास में चले गए थे तो घर से निकले थे, तब तो राम थे वो, एक राम था बालक ही था, जो अभी अभी ठीक है स्वयंवर से शादी करके आया ही था, है ना। आप तो शादी कर दोगे तो 2-3 साल तो बाहर ही निकल से आप, ठीक है। लेकिन राम को हाथों हाथ क्या मिल चुका था, वनवास मिल चुका था। लेकिन 14 साल के बाद में जब वो वापिस अयोध्या पहुंचे तो वो राम नहीं थे, वो क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो आपके नाम के आगे ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम लगा है ना, वो लग के जाना चाहिए, ये दिल्ली पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का, राकेश जी कहेंगे, राकेश जी का, SSC का, ये टैग लग के साथ में जाना चाहिए, समझो क्या बात। राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के जब वापिस गया तो उनकी पूजा होने लग गई, और आप भी जब एक सिंपल से राजकुमार से ऐसा ही राजकुमार बनकर जाओगे तो वहां पर आपकी पूजा होगी। अब जब विष्णु जी यहाँ पर होते हैं तो उनकी भी जर्नी आपसे पूछते, जब वो गांव जाते हैं ना, लोग उमड़ आते हैं घर पे, आज हमारे घरे चाय पीना, आज हमारे घरे चाय पीना, उनको देख के कितने लोग तैयारी करने लग गए, गाँव वाले लोग, गांव के लिए प्रेरणा होती है। कोई व्यक्ति सब इंस्पेक्टर लगता है, छोटी जॉब नहीं होती, छोटी जॉब होती है क्या, राजस्थान की दूसरी बड़ी पोस्ट होती है। उसी तरीके से आप दिल्ली पुलिस में आप जाओगे कि हमारा लड़का तो दिल्ली में पुलिस लगा हुआ है। अब जैसे एक बार आप पुलिस लाइन में चले जाते हो तो दिल्ली पुलिस में 2 साल कर लेना, दिल्ली पुलिस की SI आएगी, दिल्ली पुलिस में SI बन जाओगे बहुत जल्दी। वर्दी को डर लगता अपन, अब किस किस को वर्दी का डर लगता है, अभी भी लगता है कि आप में से किसी को वर्दी का डर, सत्य कौन लगे यार, थारा जीटा होता माने तो लागत, गांव में पुलिस वाली गाड़ी आ जाते ने, देखो 5 7 गांव का लोग ही घर में अंदर बढ़ जाता, डर कट गया आपका, निकल गया। थोड़ा सा आपसे पूछते हैं आज ही कौन आए हैं वो, आज और पिछले कुछ दिनों से, 5 7 दिनों से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए वो कौन है, थोड़ा सा फिर अपने और सर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जो लोग हो ये है और आए हैं, आपके मन में कोई सवाल, ठीक है, वर्दी को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर, सब इंस्पेक्टर को लेकर, SI को लेकर, या किसी को भी लेकर, इस जीवन को जीने के लिए पैसों का भी बहुत सारा योगदान है, पूरा ही है, पूरा ही है, मान लो बहुत सारा मतलब पूरा ही है, क्योंकि उनका इन्होंने व्यक्तिगत अनुभव बताया है, और व्यक्तिगत अनुभव सबका ही रहता है, पैसों की जरूरत किसको नहीं है, सबको रहती है। और साथ ही साथ में अभी तक तो अपने बाबा जी वाले होटल में जिम रहे हैं ना, पिताजी वाले होटल में, मतलब अपने तो अभी तक पिताजी के खर्चे से हम अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन खुद पर आ जाएगी उस दिन ये वाले दिन याद आ जाएंगे जिस दिन हम उड़ते पक्षी बने हुए थे। तो इन दिनों को थोड़ा सा यूटिलाइज करके आपको पढ़ना है, और कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ये मेरी फिक्स लाइन है, आपको गुरुजी तो सुना सुना थे कान पका दिया, फिर से कह रहा हूँ कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए मेहनत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। तो मेहनत करोगे तो सब कुछ लग जाओगे। मूल जी ने यह कहा ना कि सैलरी तो संभालनी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा किस्सा बता दूं क्या, मैं एक बार दिल्ली में गया था, ज्यादा नहीं बताना है क्या, सूरज सर राम राम, बिल्कुल राम राम, सुनो ध्यान से एक छोटा सा किस्सा। कोरोना काल वाले टाइम में मैं गाड़ी लेके दिल्ली गया था कोई काम से, किसी दोस्त की दुकान है, और वो कह रहा है कि अभी ट्रेवलिंग बंद है तो यार कार लेके चले, रेडीमेड की दुकान है तो तेरे लिए गाड़ी में गा लिया सा सामान। मैं वो चल आप लोग क्या लिया खर्चो अगल लग रहे, तो जैसे निकले ना वहां से
वो एक बाजार का नाम है शायद गांधी बाजार है, पता नहीं, रोहिणी के उस साइड में है। और वहां पर हर जगह दिल्ली पुलिस के सिपाही जो है, कॉन्स्टेबल जो है, वो तैनात होते हैं। वो यही देखते हैं कि कौन बाहर वाला आया है, उसकी गाड़ी भर के जा रही है। ठीक है, रुका लिया, रुक जाओ भाई, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? उनको पता है यहाँ से सामान भर के जा रहे हैं, दिल्ली को तो है नहीं, बाहर का ही है। फिर वहां से बोलते हैं तभी पता चल जाता है ये तो राजस्थान वाले। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, इसका बिल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पता है उनके पास में बिल कहाँ होता है? मैं दुकान के भैया हो जाओगे, अपन तो ड्राइवर, ठीक है, अपने लाइसेंस, गाड़ी का कागज पक्का। तो उनसे उन्होंने मांगे, लाओ जी 5,000 रुपए दे दो धीरे से डालने, क्योंकि वो इधर ही बंदूक भी ले रखी थी, वो भी डर लग रहा था। ठीक है, तो आज से 3-4 कोरोना जब आया था उसी टाइम की बात है, तो उस टाइम हमें उनको 2,000 रुपए दे के वहां से निकलना पड़ा था। गुरुजी ने बात की ना, तब याद आ गई वो अचानक से, तो वो भी वहां से कोटा भर जाता है पूरा आराम से। ठीक है, दिल्ली का कांस्टेबल और राजस्थान का एसआई बराबर है, दिल्ली का थर्ड ग्रेड और यहाँ का फर्स्ट ग्रेड बराबर है। वहां पर सैलरी वगैरह अच्छी होती है और सिलेबस अभी आपने देखा था, सिलेबस वास्तव में छोटा है। हालांकि मेरा दिल्ली पुलिस के साथ में कोई भी मेरे इस स्टडी मटेरियल में कोई योगदान नहीं है, तो भी मुझे ये लग रहा है कि वास्तव में सिलेबस तो छोटा ही है। अगर आप 5 महीने के लिए टोटल 24 घंटों में से 6 घंटे सोने के निकालकर, 2 घंटे खाने पीने तैयार होने के निकालकर, अगर आप 8 घंटे निकालने के बाद 14 घंटा भी रेगुलर करते हो, तो ये है नहीं कि आप रिटर्न क्लियर कर पाओगे, श्योर कर पाओगे, 100% कर पाओगे। तो इसी कड़ी में और आपका कोई सवाल है क्या यार जाला? साथ में बाकी जो दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो रेगुलर ऐसे ही चलता रहेगा। और आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट बृहस्पतिवार गुरुवार से दिल्ली पुलिस की जो टेस्ट सीरीज है, वो पहला टेस्ट है, वो चाहे आज से एडमिशन ले, उन्होंने पिछले दिनों एडमिशन लिया, उन्होंने पिछले दिनों एडमिशन लिया, कभी भी लिया, उनके लिए वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जिस दिन वीकेंड होता है उस दिन वो टेस्ट रहेगा। ठीक है, बहाने आप मारोगे उतना मारते रहना, टेस्ट से भागोगे भागते रहना, हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अभी कहा सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, मजे उन पैसों से आप खुद लोगे, आपके घर वाले लेंगे, हमें तो सिर्फ जो हमारी कोचिंग की फीस है वो देके जाओगे। सही है ना? आप ये कहते हो जी मैं तो आज टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे तो मेरी दोस्त की शादी है, वहां जाना है, मुझे बारात में जाना है। कोई बात नहीं भैया, जाइए बारात में, हमारा क्या लेगा। तो गारंटी बैच में जो बच्चे हैं उनको छुट्टी अलाउ नहीं होगी, आज ही बता देता हूँ। रेयर चांस में कि बाई चांस कोई कॉलेज का पेपर आ गया, RSCET का पेपर आ गया, या कोई पेपर आ जाते हैं, तभी शादी के लिए तो बिल्कुल छुट्टी नहीं है। शादी का नाम पर तो थे 3-4 दिन खराब करोगा। ठीक है, एक दिन तो पहले जाओगे शादी में, फिर दूसरे दिन को यार शादी की पार्टी तो दे भाई। ठीक है, 2 दिन तो ये नाचना कूदना भी गया। ठीक है, वो भी चला जाएगा चक्कर, दोनों जगह से होता है। लड़कियां भी कह रही थी मेरी तो सहेली की शादी है, मुझे जाना है। कोई बात नहीं, सहेली आपकी शादी में आएगी जब आप ढंग से लग जाओगे ना। तो हाँ जी, अभी उनसे बैठ के आराम से बैठ के अलग से पूछना, क्योंकि ये समस्या होती है कि कई बार नहीं बोले होते, उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात, ये ऐसे दिख रहे हैं आपको छुपा रुस्तम, अच्छा ज्ञान है इनको भी। राजस्थान में जो 12,112 बुक थी उसमें विष्णु जी और इन दोनों की ही राइटिंग थी, वो इन दोनों की ही लिखी हुई थी। और अब हम राजस्थान SI के लिए फिर यही पूरी टीम मिलकर आपके लिए एक बुक लेके आ रहे हैं। अब मैंने भी शायद हो सकता है वाली बुक में, ठीक है। तो मेरी वाली जो बुक आ रही थी ना, वो डिले चल रही थी, अभी डिले चल रही है, कुछ ग्रहण लगे हुए हैं उसके अंदर, तो वो भी बुक इधर अभी बहुत जल्दी भी सिटी के लिए भी कंटेंट आ जाएगा। जितने भी राजस्थान में आएगी इनके निर्देशन में, क्योंकि ये जीके का सेक्शन है वो पूरा लिखते हैं, चाहे वो आर्थिक समीक्षा है, ठीक है, वो सारी जो चीजें हैं। तो ये एक तरीके से आप इनको लेखक मान सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि फाइनल मेरिट में या अंतिम सिलेक्शन न होना। अब इन्होंने तो अपना सर्वस्व दे दिया था भाई, फिजिकल भी पार कर लिया, रिटर्न भी पार कर लिया। और रिटर्न पार करने के बाद में सबसे बड़ा फोबिया होता है साक्षात्कार का, इंटरव्यू का, कि बड़ा कई पूछ लेगा, वो भी पार कर लिया। अब मेरिट थोड़ी सी ऊपर रह गई तो वो एक अलग बात है। इनके लिए बेड लक है, आशा उम्मीद करेंगे कि ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल है, तो इनमें इनका सिलेक्शन हो जाए और फिर RS मेंस लिखे ये। ठीक है, अंतिम इच्छा तो वही है ना, अंतिम इच्छा वही है, क्योंकि जब एक ग्रुप होता है ना, एक पैनल, उस पैनल की इच्छा होती है कि हम RS लिखेंगे। और इनका ग्रुप ऐसा है, विष्णु जी की सिस्टर है 2-3 और ये है, और इनके साथ में सभी RS मेंस इन्होंने लिख दिया है, एक एक दो दो बार फाइनल में रह जाते हैं, लेकिन फिर से दृढ़ संकल्प इनका है कि लिखेंगे लिखेंगे तो लिखेंगे। तो आप भी करो ना, ये भी लिख लो कमरे में चिपकाना कि इस बार दिल्ली पार, दिल्ली पुलिस पार, दिल्ली पार करते हैं, दिल्ली पुलिस पार, इस बार सब इंस्पेक्टर पार, इस बार है दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आ जाएगी नजदीक, घर के पास आ जाएगी चल के, है ना। ये सिलेबस आपका दिल्ली पुलिस की SSC की जो दिल्ली पुलिस है, इसके साथ में एक वैकेंसी हो रहा है MTS, जिसकी फरवरी में एग्जाम है नेक्स्ट 2024 में। सेम सिलेबस है, सेम तैयारी है, उसी तैयारी से आप उस वाले में भी क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हो।
ठीक है, इधर लड़कियों में कोई सवाल? फिर और किससे पूछूं, कौन बोलेगा? सबको कोई और पूछना है यहाँ पर, आप बोलना चाहते हो लाइव में तो आप बोल सकते हो, आपको स्वतंत्र अधिकार है, खुला मंच है, आराम से बोल सकते हो। ठीक है, कोई है क्या? कोई लड़कियों में, लड़कों में कुछ दो मोटिवेशन बात कह जाओ। ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक दो और कह दूंगा, मेरी तो वो तीन चार पक्की रटी रटाई है, मैं वो बोल देता हूँ। है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। कौन कौन आंखों में अरमान लेके आया मंजिल को अपना मानने के लिए? हाथ ऊपर करो, देखो तो हाथ तो सारा ऊपर हो सी, कड्डी का उबाल होता है ना, कड्डी का उबाल, जब कड्डी उस गैस चूल्हे पर चढ़ाई जाती है तो थोड़ी देर बाद में गुरु जी क्या आने लग जाता है, उसमें उबाल। जब बच्चे कोचिंग में आते हैं तो थोड़ी देर होता है जोश, मैं तो दिल्ली पुलिस में लग गया, मैं तो सब इंस्पेक्टर बन गया। लड़कियां सोचती है SI आई है, ASI, हम तो लग गई। वो है कड्डी का उबाल। अब इस कड्डी के उबाल को आप रेगुलर कब तक? एक महीने के बाद में कल्टी पल्टी सारी शुरू हो जाएगी। जानो नहीं कल्टी पल्टी, एक दिन दिखा तीन दिन गायब। मैं आज का पूछ यार, ईद को चांद हो रही है गुरु जी, काम हो थोड़ा सा। ठीक है, पापा लगा लिया, पापा लगाओ ही ना आज। ठीक है, तो वो कड्डी का उबाल आप में वास्तव में नहीं होना चाहिए। अगर घर वालों के पैसे लगा रहे हो ना, रेयर चांस में आपकी छुट्टी बनती है ना, जायज छुट्टी बनती है, वही छुट्टी लो। हाँ, मेरे एक साल में मैं तो एक दो बार गांव जाके आता हूँ पढ़ाने वाला हूँ, दो दिन ना पढ़ाऊँ तो कोई नहीं, तीसरा आदमी पढ़ा ले तो भी मैं गांव जाके नहीं आता हूँ। खुद के ऊपर मैं कहता हूँ ना कि मैं साइकोलॉजी थोड़ा थोड़ा साथ साथ में पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ें वो खुद के ऊपर डिपेंड करके देख लो। अब मैं एक साल में सारी पांच छुट्टियां मारता हूँ, और वो भी पढ़ाने वाला व्यक्ति, मैं ना पढ़ाऊंगा तो वो घंटा खाली नहीं देगा, मेरा टेस्ट लगा देंगे शिवराज जी, तो भी मैं नहीं जाता हूँ। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि डेडिकेशन है मेरा, सब लोगों का डेडिकेशन है, तो आप भी उस डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, करो ना तैयारी डेडिकेशन के साथ में, कुछ नहीं होगा। आप एक साल के लिए, छह महीनों के लिए पुराने वाले दोस्तों को भूल जाना, मैं राव सर वाले सारे दोस्तों को भूल गया। ठीक है, सारे दोस्तों को भूल गया, सच्ची भूला नहीं हूँ, जानता हूँ, याद भी है। घर जाके आ जाता हूँ तो दोस्तों को, दो को भी फोन कर लिया ना, दो दिन गायब है, दो दिन और छुट्टी होती, फोन ही नहीं करता हूं। आप भी ऐसा बनाओ ना, डेडिकेशन बनाओ ना, आप अपने जिसके प्रति आप समर्पित होना चाहते हो वो काम करो आप शिद्दत से। ठीक है, तो आज के इस लाइव सेशन को अभी समाप्त करते हैं। और सिलेबस सबसे मस्ट है, अभी जो पुराने बच्चे हैं जिनके पास में ASI का आया नहीं सिलेबस, कोई बात नहीं, SI का आया हुआ सिलेबस है 2021 वाली वैकेंसी का, वो आपके बैग में हर समय होना चाहिए। CET पिछले साल हुई थी, CET उसका सिलेबस आपके बैग में होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का सिलेबस अभी आपको दिखाया, ये आपके बैग में होना चाहिए। साथ ही साथ में दिल्ली पुलिस में क्या चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कितना फिजिकल का क्राइटेरिया, वो आपके बैग में होना चाहिए। ठीक है, जब हम पूछते हैं आपको सिलेबस में क्या है, कि गुरु जी माना तो बेरो कोनी, क्या पढ़ा दिया जी बेरो कोनी, तो फिर इसका मतलब आप कैसे धूड़ में चोट लगा रहे हो। तो वो चीज है कि आप थोड़ा सा भी अगर आप ये समझते हो कि आज अपनी इतनी बात से प्रेरित हुए हैं, तो एक बात के लिए तो जरूर प्रेरित हो जाना कि आप आज ही मित्रा के पास जाओ, कि भैया सारा सिलेबस निकाल के दे दें, पेज का खर्चा ज्यादा ना करे, एक पेज पर दो निकाल दें या दो पिछली साइड में निकाल दे, 2 रुपये बचत ही सारा, वो भी काम कर लेना। बचत करनी जरूरी है ना, बाहर से आयो, बचत करनी भी तो जरूरी है साथ साथ में, तो वो बचत भी कर लेना। सिलेबस से एक चीज ये होती है कि आप एनी टाइम सिलेबस को देखते रहते हो, कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, इसको मैंने सिंगल बार में कर लिया, इसको मैंने डबल देख लिया, इसको 3 बार देख लिया, इसको 4 बार देख लिया, तो एक ही चीज को आप बारी बारी से पढ़ते जाओ, चीजें स्थाई हो जाती है, अपना काम बन जाएगा, है ना। इसीलिए सारे जो सक्सेस लोग जो है, सफल प्राणी जो, आप उनसे किताबें पूछते हो, आप उनसे नोट्स के बारे में पूछते हो, पूछते हो या नहीं पूछते हो कि किताब किसी पढ़ा? अभी कमेंट आ रहे थे कि गुरु जी किताब बताओ, किताब बताओ, किताब किसी भी लियो, सब किताबें अपने आप में बढ़िया हैं, बट आप उस किताब को कितनी बार पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है। अब किताब तो आपने लक्ष्य की रख रखी है, आपने दक्ष की रख रखी है, आपने RBD की रख रखी है, आपने जिला दर्शन रख रखा है, आपने राज पनोरमा रख रखी है, आपने इधर आपके आसपास में अपने डेस्क में सजावट के लिए कोई बाहर वाला गया यार किताबें तो बहुत जोरदार ले हुए, उन किताबों की बजाय आप एक सुंदर सी बढ़िया सी किताब ले आओ, और उसको आपने कितनी बार पढ़ दिया, और उसके शॉर्ट नोट्स आपने कितनी बार बना दिए, और आपके पास में जो क्लास में जो आपने रेगुलर 6 महीने तक पढ़ाई करी थी उसको आपने कितनी अच्छी शिद्दत से लिखा, वो चीजें आपके हाथ में है, तो आप कोई भी वैकेंसी में पीछे रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप, धन्यवाद।